बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सऊदी अरब के रहायशी एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक शख्स इससे कह रहा था, इस फोन नंबर पर रابطہ करो और फलां शख्स को उमरा करवाओ। फोन नंबर बड़ा वाजिया था। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास गया और इसे बताया। इमाम मस्जिद ने कहा, फोन नंबर याद है तो फिर इस शख्स से रابطہ करो और इसे उमरा करवा दो। अगले रोज इस शख्स ने ख्वाब में बतलाया हुआ नंबर डायल किया। जिस शख्स ने फोन उठाया, इससे जरूरी तारफ के बाद इसने कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उमरा करवाऊँ, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। जिस आदमी को इसने फोन किया वो जोर से हंसा और कहने लगा, कौन से उमरा की बात करते हो, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उमरा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो इसे इसरार करने लगा। इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उमरा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद वो आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उमरा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाद मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही जिम्मे होंगे। वक़्त मुकर्रा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से अंदाज़ा था कि वो गलत किस्म का इंसान है और नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उमरा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकर्रमा उमरा के लिए रवाना हो गए। मेकात पर पहुंचे तो इन्होंने गुसल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। इन्होंने बैतुल्ला का तवाफ किया, मकामे इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज अदा की, सफा व मरवा के दरमियान सही की, अपने सरों को मंडवाया और इस तरह उमरा मुकम्मल हो गया। अब इन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उमरा करने पर आमादा हुआ था कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकअत नफल अदा करना चाहता हूँ, न जाने दोबारा उमरे की तौफीक होती भी है या नहीं। इसे क्या एतराज होता। इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। इसने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो इसके दोस्त ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकशाफ हुआ कि इसके साथी की रूह हालत सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो हुस्ने खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती, ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुसल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मगफरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान इसकी वफात की इतला रियाज इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। ख्वाब देखने वाले शख्स ने अपने वादे के मुताबिक इसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां इसे दफन कर दिया गया। चंद अयाम गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने इस फोत होने वाले की बेवा को फोन किया। ताजियत के बाद इसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ, इसे हरमे काबा में सजदा की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई तुम दुरुस्त कहते हो, मेरा खावंद कोई अच्छा आदमी ना था। इसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोजा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी था। मैं इसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ मगर इसकी एक आदत ये थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता तो जहाँ अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता, वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और इसके दरवाजे पर रख कर इसे आवाज देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खावन के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खात्मा बिल खैर करे। कायरीन कराम, इस तरह इस बेवा की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और इस शराबी का इतना उम्दा तरीके पर खात्मा हुआ कि इस पर हर मुसलमान को रश्क आता है।
कायरीन कराम इस बात को हमेशा याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि भलाई के काम आदमी को बुरी मौत से बचाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।